बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महमूदाबाद की आवाज़ के साथ मैं सुबहानी हूँ, मेरे साथ नवेद है। आज ये एक भिखारी जो यहाँ से भीख मांग रहा था, इसको हमने रोका तो हमने इससे पूछा कि भाई आप भीख क्यों मांगते हो, आप तो हट्टे कट्टे हो। तो ये कह रहा है कि हमारे जो माँ बाप है वो हमसे कहते हैं कि भीख मांगो, कि वो भी भीख मांगते हैं। ये कहाँ से आए हो आप? फाटक से। ये फाटक से आए हैं और आपके अम्मी अबू भी भीख मांगते हैं? रोज कितना कमा लेते हो अकेले आप? कभी 500 कभी 600। थोड़ा सा आवाज। कभी 500 कभी 600 बना लेते हैं। ये कह रहा है कि रोजाना हम जो है ना खाली ये 500-600 ये जो है कमा लेते हैं, इसके अम्मी अबू भी अलग कमाते होंगे, यानी के रोज की जो इनकी दिहाड़ी है वो 2-2.5 हजार रुपये बन जाती है आराम से। इनको कमाने का शौक नहीं है, इनको सिर्फ भीख मांग के खाना है। जो मुस्तहिक लोग हैं वहाँ तक तो इमदाद पहुँच नहीं रही, ना उनके पास मदद पहुँच रही है, क्योंकि ये है वो 2-2.5 हजार रुपये बन जाती है आराम से। इनको कमाने का शौक नहीं है, इनको सिर्फ भीख मांग के खाना है। जो मुस्तहिक लोग हैं वहाँ तक तो इमदाद पहुँच नहीं रही, ना उनके पास मदद पहुँच रही है, क्योंकि ये लोग पहुँचने देते ही नहीं है। भाई आप माशाल्लाह अट्टे कट्टे हो, जवान हो, आपको शौक नहीं है कि हम कमा के खाएंगे, हलाल कमाएंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे? ये अच्छा लगता है? लोग जलील कर देते हैं, भगा देते हैं कि नहीं है भीख नहीं है जाओ, ये अच्छा है या कमा के खाना अच्छा है? हमें तो कमाएंगे और भी सही है, हमारे अम्मी अबू ने कमाने दे रहे। आपके ये कह रहे हैं कि हमारे अम्मी अबू जो है ना कमाने नहीं दे रहे, इसको कमाने का शौक है लेकिन इसके जो माँ बाप है ना वो कमाने नहीं देते। अगर हम आपको कोई काम पे लगाए तो आप काम करोगे? हाँ। ये देखिए छोटा बच्चा है, इसको देखा, ये छोटा बच्चा है, इसके साथ चल रहा है, ये वहाँ फाटक से आ रहा है और ये फाटक तक जाएगा। इसके पढ़ने लिखने की उम्र है और ये इसको भीख मंगवा रहे हैं। यही जो है वो ट्रैक पूरे पाकिस्तान में आम हुआ हुआ है। सफ़ेद पोश लोग हैं वहाँ तक जो है ना ही इमदाद पहुँच रही है ना ही मदद पहुँच रही है, क्योंकि वो मांगते नहीं हैं, वो अपने ज़मीर उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, वो किसी के आगे हाथ फैलाए वो सिवाय अल्लाह के। तो खुदारा हमारा साथ दें, ऐसे भीख ना, मदद करें उन लोगों की जो सफ़ेद पोश लोग हैं। बेटा काम करो, भीख नहीं मांगो, भीख मांगने से कुछ नहीं होता, दलालत होती है। काम करोगे तो सकून से भी जियोगे, अच्छा अपने अपने माँ बाप को भी हलाल खिलाओ और उनको बताओ कि भीख मांगने से मज़ा नहीं आता, काम करने से मज़ा आता। ये हाथ पांव अल्लाह ताला ने दिए, किस लिए दिए? कमाने के लिए दिए, भीख मांगने के लिए नहीं दिए। काम करोगे ना, काम में लगाएंगे, काम करोगे? ये कह रहा है कि हम काम करेंगे, आप हमें काम तो इंशाल्लाह, हम कुछ कोशिश करेंगे आपके लिए, कोई काम मिले आपको काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।